देखो रूमी, एक बात साफ है, आहिल की जिंदगी में अब बाप की कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी है। इसलिए बेटा खुद को तो संभालना पड़ेगा ना। खाना पीना छोड़ोगी तो बेटा कैसे हिम्मत आएगी तुम्हें? दुनिया से किस तरह लड़ोगी? आहिल को कैसे संभालोगी? मैं कुछ खाने को लेकर आता हूं, तो तुम खाना खाइए मेरे सामने। कुछ नहीं होगा मुझे भाई, बहुत सख्त हूं मैं। तब देखे ना, ताबिश छोड़कर चला गया, लेकिन जिंदा तो ना खाए पिए भी कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तो फिक्र ना करना, तुम्हारा तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारे सर पे सलामत है। बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं सर, डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बस घर पे ही थी। एक्चुअली मैं आपको काफी दिनों से कॉल करना चाह रहा था, लेकिन आपको तो पता है कि ऑफिस का स्केड्यूल कितना बिजी होता है। जी जी मैं जानती हूँ आप। सर मैं 2-4 दिन में ज्वाइनिंग दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मैंने इसलिए आपको कॉल नहीं की थी। एक्चुअली मैयत के रोज भी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा फोन पे आपसे ताजियत कर लूं। I'm very sorry about your brother. ये तो सब अल्लाह के काम है। जी सर, इसमें अल्लाह की क्या मसलहत है ये तो सिर्फ वही जानता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा दुख समझा। पापा बता रहे थे कि आप आए थे जनाजे में। बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? This is the least we can do for each other. हम आपके घर आना चाह रहे थे, मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। जी सर, she is more than welcome here. आपको किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज आप मुझसे कहिएगा। और आपने जितने दिन ऑफ लेने ले लें, फैमिली कम्स फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।